खटीमा में पुलिस ने चिटफंड कंपनी खोलकर जनता से 80 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो मुरादाबाद में सरमान फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर जनता को धन वृद्धि का लालच देकर धोखाधड़ी कर रहे थे। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वही मामले में चार आरोपियों की अभी भी तलाश है। ये फरवरी 2022 में बांसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। तो इनके द्वारा कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति ये सरमाउंट फार्मिंग इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी चला रहे हैं, जिसके तहत वो लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उनको लालच दे रहे हैं कि आपको हम कुछ ब्याज दर पे, जैसे कि 12% 15% तक आपको FD और RD पे रिटर्न देंगे। इस लालच में कई लोगों ने यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और जब कई लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद ये कंपनी बंद करके यहाँ से फरार हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 70-80 लाख तक का धोखाधड़ी की है। तो उसी में कल हमारी कोतवाली की टीम जो है उसके द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम ओमपाल सिंह है और एक दूसरे का नाम फूल सिंह है। ये दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं और ये इस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर थे। पहले पेश किया जा रहा है और अभी अभियोग में भेजना प्रचलित है। अभी चार अभियुक्त और हैं, उनकी धरपकड़ के भी प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी उनके भी कार्रवाई की जाएगी।